जय हिंद स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं इस कंप्यूटर के सिलेबस की। आपको पता चल गया है एग्जाम की डेट या रीओपन हो गए हैं फॉर्म, तो कंप्यूटर का सिलेबस हम देख लेते हैं। सभी को इसका इंतजार है कि कंप्यूटर का सिलेबस एक बार अच्छे तरीके से पता चल जाए, ताकि जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं उनसे पूरा किया जा सके, टॉपिक वाइज भी पूरा किया जा सके। ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक के अंदर देख लीजिए, सबसे पहले बेसिक के अंदर और एडवांस दो पार्ट में बांटा है। लेकिन वैसे तो एडवांस वाली कोई सिरदर्दी वाली बात नहीं है, कभी आप सिरदर्द लेके बैठ जाओ कि एडवांस कैसे पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर करूंगा, बताऊंगा कि इससे किस तरीके से कौन सी चीज़ पूछी जा सकती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर का आ जाता है कि आपका कंप्यूटर बना कैसे, कौन सा वर्ड यूज़ होता है कंप्यूटर के लिए, उसकी विशेषताएँ क्या है, कॉम्पोनेंट क्या है। उसके बाद बिफोर जनरेशन, जनरेशन जनरेशन से पहले का कंप्यूटर कैसा था, हरमन होलरिथ कौन था, या फिर पंचकार्ड किसने आविष्कार किया था, या आपका जैकवर्ड क्या था, या फिर आपका चार्ल्स बैबेज ने कौन से इंजन बनाए थे, नेपियर्स का लॉग्स एंड बोन्स क्या था, ये अलग अलग डिवाइसेस पूछी जा सकती है बिफोर जनरेशन। जनरेशन में आपका सारी जनरेशन अच्छे तरीके से पढ़ के जानी है, अच्छे तरीके से जनरेशन पूछ सकता है। जनरेशन में टेक्नोलॉजी पूछ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप पूछ सकता है, कौन सा टाइप कब आया था, लैंग्वेज पूछ सकता है कौन सी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन के अंदर थी। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में आपका आ जाता है कि कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर, उनके अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन आपने कवर करने हैं। मशीन साइकिल में आ जाता है कि फैच होती है, डिकोड होता है, स्टोर होता है, इस तरीके से सबसे पहले मशीन फैच करती है, फिर उसके बाद डिकोड करती है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करती है, उसके बाद स्टोर करती है। इससे पहले की जो प्रोसेस होते हैं जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, बूटिंग प्रोसेस, वो सारे इसके अंदर आ जाएगी। इनपुट डिवाइसेस को अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि इनपुट डिवाइस के भी क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, डीप में पूछ लिए जाते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एक ही होती है जो आपकी सीपीयू होती है, और सीपीयू के अराउंड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीपीयू जो रजिस्टर का प्रयोग करता है उनको पूछ लेता है, एएलयू को पूछ लेता है, सीयू को पूछ लेता है, आपका जितने भी रजिस्टर, चाहे वो एमएआर है, एमबीआर है, या एमडीआर बोलते हैं जिसको, आईआर है, एसीसी है, वो पीसी है, वो सारे रजिस्टर आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। सीपीयू के टाइप, प्रोसेसर के टाइप आपने, चाहे वो सीआईएससी है, आरआईएससी है, ईपीआईसी है, मल्टी कोर है, वो सारे आपने पढ़ने हैं। स्पीड आपने पढ़नी है, स्पीड किस रूप में मेजर की जाती है, और स्पीड जो होती है कितनी होती है, स्टार्टिंग में कितनी थी अब कितनी है। आउटपुट डिवाइसेस आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है, आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर से क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में ग्राम सचिव में, मॉनिटर से बढ़िया क्वेश्चन था, डीप लेवल का क्वेश्चन था। प्रिंटर आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक भी प्रिंटर आपने नहीं छोड़ना है, प्रिंटर को अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। मेमोरी डिवाइसेस के अंदर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये दोनों ही प्रकार की मेमोरी आ जाती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में दो तीन टाइप करके बता देते हैं, और फिर सेकेंडरी मेमोरी में भी इसी तरीके से, यानी कि आपने इसमें कैश को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है, सीमोस को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है किस तरीके से बनी होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। लेकिन ज़्यादा पीएसडी भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कई होते हैं जो, जैसे मान लीजिए डी रैम पे आपका सिलेबस रुक जाता है कि डी रैम किस तरीके से वर्क करती है, उसके बाद भी पूछ लेते हैं कि डी रैम सर कितने टाइप की होती है, इसमें पीएसडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इतने तक का जितना सिलेबस डिफाइन किया उतना सिलेबस आ जाता है। तो आपका सिलेबस जो डिफाइन किया है वो कितने मार्क्स का डिफाइन किया है, 10 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा। अब वो कंप्यूटर कहाँ से आएगा, हालांकि उन्होंने ये बोला कि जिस लेवल का आपका पेपर है उसी लेवल तक का कंप्यूटर आएगा, ठीक है, इसीलिए मैं इनको डिवाइड इस तरीके से कर रहा हूँ। कोड कन्वर्जन में बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इनको आपस में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, आना चाहिए आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, मैक ओएस होता है, विंडोज होता है, या फिर बोस होता है, या एमएस डोस होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, कौन सा सिंगल यूजर है, कौन सा मल्टी यूजर है, कौन सा मल्टी प्रोसेसिंग है, कौन सा ओपन सोर्स है, ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है। प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के अंदर आता है आपका एल्गोरिदम आता है, फ्लो चार्ट आता है, दो चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डीप घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अलगोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोलोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लिस्ट। तो ये इस तरीके से ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एरर, कितने प्रकार के एरर आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एरर आते हैं उनको क्या बोला जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, वो सारे। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आ जाता है आपका, कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप का होता है, लैन वैन, मैन पैन, कैन सैन, जो भी है सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाती है टोपोलॉजी आपकी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, सारे टोपोलॉजी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए।
डेटा कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है आपका। डेटा कम्युनिकेट करने का मीडियम कौन सा होता है, डेटा कम्युनिकेशन या तो आप ट्विस्टेड पेयर वायर से करोगे, या आप फाइबर ऑप्टिक से करोगे, या कोएक्सियल केबल से करोगे, या सैटेलाइट से, माइक्रोवेव से, रेडियो वेव से, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और मेथड जो है वो आ जाता है आपका सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, वो आ जाते हैं इसके अंदर डेटा कम्युनिकेशन के अंदर। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपके डिवाइसेस भी आ जाती है, नेटवर्किंग डिवाइस जितनी भी है, चाहे वो NIC है, मॉडम है, स्विच है, गेटवे है, हब है, राउटर है, वो डिवाइस भी आपको अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेंगी। इंटरनेट पे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट आ जाता है, इंटरनेट में जीमेल आ जाता है, ब्राउजर आ जाते हैं, सर्च इंजन आ जाता है, इंटरनेट पे फोन का साइज पूछ लिया था कि फोन का साइज कितना होता है, प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, SMTP है, TCP/IP है, UDP है, POP है, FTP है, HTTP है, WWW है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेंगी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर वायरस की कैटेगरीज आ जाती है, वायरस कितने प्रकार का होता है, चाहे वो वॉर्म है, चाहे वो वायरस है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट कहती है कैसे होती है। फिशिंग के बारे में ज़रूर पढ़ना, फिशिंग बहुत बार पूछा जाता है। स्पैम के बारे में ज़रूर पढ़ना, स्पैम बहुत पूछा जाता है। और MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक्सेल को जितना वर्ड पढ़ोगे उसका आधा पढ़ लेना, और पावर पॉइंट को जितना एक्सेल को पढ़ोगे उसका आधा पढ़ लेना, यानी कि पावर पॉइंट में गिनी चुनी 20 लाइनें आपने याद करनी है, 10 लाइनें आपने याद करनी है, एक्सेल में थोड़ा वर्ड से कम, लेकिन वर्ड में एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है, ठीक है। विंडो फंक्शन आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि विंडो फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। विंडो फंक्शन में जैसे पॉपअप बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, या डेट पिकर, जैसे अभिग्राम सचिव में पूछा गया था, ये सारी चीजें फंक्शन इसके विंडो के आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। तो ये आ जाता है आपका बेसिक, बेसिक में ये चीजें जो है आपकी कवर होती है, ठीक है। हो सकता है एक दो चीज मेरे से भी छूट गई हो कहीं ना कहीं, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ मोटा मोटा सा हिसाब मैंने लगा दिया कि ये चीज है जो, ये सिलेबस है जो आपका 10 में से 9 मार्क्स 8 मार्क्स गेट कर सकता है, ठीक है। एडवांस, एडवांस का नाम बस बड़ा है, वही कह लीजिए नाम बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है एडवांस इसके अंदर कि इतना बड़ा ज्यादा एडवांस हो, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 11वीं से 12वीं के सिलेबस के अंदर है, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो HBSE हो, ठीक है। एडवांस के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, डिजिटल लॉजिक पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर बुलियन अलजेब्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, बुलियन अलजेब्रा के सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी पड़ेगी, बुलियन अलजेब्रा की, चाहे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नल प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब्जॉर्प्शन लॉ, ये सारे लॉ पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपको गेट पढ़ने पड़ेंगे, ये सारे गेट आपको, चाहे वो नैंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट, ओर गेट, वो सारे गेट आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर। और उसके बाद बुलियन अलजेब्रा या डिजिटल लॉजिक के अंदर आपको के मैप इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सिंप्लीफिकेशन आपको जरूर आनी चाहिए, और सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ आपको जो है मैक्स टर्म और मीन टर्म दोनों चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। मैक्स टर्म मीन टर्म कैसे निकालते हैं, SOP फॉर्म, POS फॉर्म, दोनों अच्छे तरीके से। DBMS आपको पढ़ना पड़ेगा, DBMS में आपको पढ़ना पड़ेगा टेबल क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, टपल क्या होता है, ट्रिब्यूट क्या होता है, रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, की कौन सी होती है, और SQL में आपको पढ़ना पड़ेगा डेटा टाइप, SQL के डेटा टाइप, SQL के ऑपरेटर, SQL की कमांड, जो कितने प्रकार की कमांड होती है, DDL कमांड, DML कमांड और TCS कमांड, वो सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, स्टैक पढ़ना है, क्यू पढ़ना है, ट्री पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। सी लैंग्वेज, लैंग्वेज को सभी को इकट्ठी पढ़ो तो आप दी बेस्ट है, इन लैंग्वेजेस को इकट्ठी पढ़ो तो दी बेस्ट है, लेकिन इकट्ठी कहीं से भी सोर्सेज से उपलब्ध नहीं होगी। फिर भी आप मेरे वीडियोस जहां पे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है वो देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सी लैंग्वेज में आपने ऑपरेटर और डेटा टाइप किसी भी लैंग्वेज के नहीं छोड़ने, ना ऑपरेटर छोड़ने हैं ना ही डेटा टाइप छोड़ने। प्रोग्रामिंग आप भले आपको आए ना आए, लेकिन ऑपरेटर आप याद रख सकते हो और डेटा टाइप आप याद रख सकते हो, कौन सा डेटा टाइप कितने बाइट लेता है, कौन सा डेटा टाइप किस में यूज किया जाता है, कौन सा ऑपरेटर किस में यूज किया जाता है, लगभग ऑपरेटर सेम है सभी के, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंट है, वो आपने याद करने हैं। C++ और पाइथन से आपने ऊप्स का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने 7 से ऊपर 6 से ऊपर मार्क्स गेट करने कंप्यूटर के अंदर, 5 से 6 तो आई थिंक ये कवर कर देगा, अगर ज्यादा ही टफ पेपर आया तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी, अगर इस साइड आता ज्यादा टफ पेपर, अगर आसान पेपर आता है और 10 क्वेश्चन जो है 10 में से 5 बेसिक के 5 एडवांस के क्वेश्चन डाल देता है, तो फिर 7 से 6 से ऊपर मार्क्स लेने के लिए आपको ऊप्स का कंसेप्ट जो अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ऊप्स के कंसेप्ट के अंदर आपको एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, पॉलीमोरफिज्म ये पढ़नी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट की सिर्फ आप कमांड देख लेना कि आउटपुट के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, क्योंकि बाकी सारा सेम है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका अलग है, बस एक VAR लिखते हैं, अदरवाइज सारा सेम है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट
ब्रैकेट लगा के आउटपुट लेने का तरीका अलग है, बाकी सब चीजें जो है इसमें सेम है। HTML की कमांड आपको पढ़नी पड़ेंगी, HTML के जो टैग है वो पढ़ने पड़ेंगे, चाहे सारे ही टैग पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि वो NCERT के अंदर है। और एडवांस में मैंने कंप्यूटर नेटवर्क इसलिए ले लिया क्योंकि OSI मॉडल इसके अंदर आ जाता है। कौन सा मॉडल आ जाता है? OSI मॉडल की एक बार लेयर पूछ ली थी, कौन सा लेयर तो कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है ये भी पूछ लेगा। ये सारे वीडियो अपने वाले चैनल पे भी उपलब्ध है, OSI मॉडल की उपलब्ध है, सी और सी प्लस प्लस की अवेलेबल है। पाइथन में शुरू करने वाला हूँ इसी चैनल पे, EduX यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, ये बात बोलनी पड़ रही है मेरे को, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है बेसिक के अंदर कवर होंगी, वो सारी चीजें जो है एडवांस के अंदर कवर होंगी। अब देखना आपने है, अब डिपेंड आप पे, आप कितना पढ़ सकते हो, पहले किताब उठाइए कि नहीं उठाइए कि अब शुरू करोगे। अगर अब शुरू करोगे तो क्या इतना कवर कर पाओगे? अगर पहले किताब उठाई थी, आपने रिवाइज करना है सिर्फ, और आपके मार्क्स जो है अच्छे तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट।